चलिए, तो इसके प्रीवियस वीडियो में ये रह गया था कि WRC बीम इज नेसेसरी इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कौन कौन से ऐसे सिचुएशन हैं जहां पे WRC बीम जरूरी हो जाता है। तो इसमें पहला सिचुएशन मैं यहाँ पे अगर बताऊं तो वो है व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल, जब ये पॉसिबल ना हो कि हम जो बीम का डेप्थ है वो इंक्रीज कर सकें, वैसे सिचुएशन में हम इसको डिजाइन करते हैं। पॉसिबल टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ बीम ड्यू टू आर्किटेक्चरल पर्पज। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान में रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिसके लिए हम WRC कर सकते हैं कि टू गेट मोर हेडवे इन द रूम, टू गेट मोर हेडवे इन द रूम, मतलब ज्यादा स्पेस की जरूरत हो, क्योंकि अगर डेप्थ इसका बढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब नीचे दिखेगा, तो भी चीजें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा अगर मैं यहां पे बताऊं तो तीसरा कह रहा है व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, मतलब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस मतलब अर्थक्वेक के केस में अगर आ जाता है तो उसके लिए भी मेरे को WRC बीम जरूरत है, और प्रीकास्ट बीम है उसके लिए भी, फॉर प्रीकास्ट बीम उसमें भी मैं डिजाइन करूंगा, तो कैसा करूंगा WRC बीम ही डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, तो मैं सोचता हूँ कि स्ट्रेस डायग्राम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊं। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम की क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो वो सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, और फिर बाद में किस तरीके से इसकी डिजाइन की जाएगी वो सारा कुछ डिटेल भी धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा, और फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। ठीक है, थैंक यू।